friends, in this one we are reading the content with the help of Atul Agarwal sir, that is chapter number 5. So hereby reading and discussing the things with the help of Atul sir notes, so that we can prepare our SCPM at all level best from our side. So what is chapter number 5? That is the decision making. तो चैप्टर नंबर 5 और 6 जो है वो कंबाइन होके उधर वाला चैप्टर नंबर 6, 7 ऐसा कुछ है, फिर 8 से वापस वो न्यू चैप्टर है मॉड्यूल में, एंड 8, 9, 10 और 8 न्यू है, 9, 10 अगेन इधर के कुछ चैप्टर उधर मिक्स है, तो थोड़ा सा डिजिट का डिफरेंस आएगा, अदरवाइज कंटेंट जो है वो ऑलमोस्ट सेम है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 का. तो दिस चैप्टर इज नथिंग बट द डिसीजन मेकिंग. तो ये चैप्टर क्या है, दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट द डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड बात करता है. तो व्हाट इज डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग क्या है, नाउ वी आर प्रोसीडिंग एंड रीडिंग द कंटेंट फ्रॉम द सर नोट्स. तो सीवीपी एनालिसिस बेसिक्स क्या है, देन डिसीजन मेकिंग यूजिंग सीवीपी एनालिसिस, देन हमें डिसीजन बनाना है यूजिंग द सीवीपी एनालिसिस, मिनिमम प्राइसिंग डिसीजन क्या है, सेल और फर्दर प्रोसेस डिसीजन क्या होगा, स्पेशल प्राइस ऑर्डर डिसीजन क्या है, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, मेक और बाय आउटसोर्सिंग डिसीजन, एंड कीप और ड्रॉप कंटिन्यू वर्सेस डिसकंटिन्यू डिसीजन. तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, सीवीपी एनालिसिस के बेसिक्स पढ़ेंगे हम, देन डिसीजन मेकिंग यूजिंग सीवीपी एनालिसिस, व्हाट आर द डिसीजन मेकिंग यूजिंग सीवीपी एनालिसिस में क्या आएगा, मिनिमम प्राइसिंग डिसीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे, सेल और फर्दर प्रोसेस डिसीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे, स्पेशल प्राइस ऑर्डर डिसीजंस वगैरह लेंगे हम, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, मेक और बाय मतलब मेक खुद से बनाए बाय करे या फिर आउटसोर्स डिसीजन, आउटसोर्सिंग कराए किसी चीज को, keep or drop continue versus discontinue decision, CVP analysis in service and non profit organization क्या है, ethics and non financial consideration क्या है. तो ये सारी चीजें जो है हम discuss करेंगे in this unit, that is the decision making के अंदर. उसके बाद आता है हमारा CVP analysis basics. तो what is CVP analysis, different types of cost, अलग अलग type की कुछ cost होती है, जैसे कि historical cost, cost which is already incurred and not affect future decision, cost जो कि हम क्या बोलते हैं, what is this one is cost जो कि already incurred हो चुकी है and not affect our future decision को, जो effect नहीं करने वाली है उसे हम बोलते हैं historical cost. इसमें क्या आती है, इसमें sunk cost आती है और committed cost आती है. इसमें दो कॉस्ट आती है, हम क्या बोलते हैं, दैट व्हाट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट. हिस्टोरिकल कॉस्ट किसे कहते हैं, कॉस्ट व्हिच इज ऑलरेडी इनकर्ड एंड नॉट अफेक्ट फ्यूचर डिसीजन, कॉस्ट जो कि ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी है और जो कि अफेक्ट नहीं करेगी फ्यूचर डिसीजन को. इसमें संक कॉस्ट भी आती है और कमिटेड कॉस्ट भी आती है. व्हाट इज संक कॉस्ट, संक कॉस्ट क्या होती है, ऑलरेडी इनकर्ड एंड पेड इन पास्ट. संक कॉस्ट इज समथिंग व्हिच हैज बीन ऑलरेडी इनकर्ड, जो कि ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी है और जो कि हम पास्ट में पे कर चुके हैं उसे हम क्या बोलते हैं, संक कॉस्ट. तो व्हाट इज संक कॉस्ट, संक कॉस्ट जो कि हम ऑलरेडी इनकर कर चुके हैं, जिसे पास्ट में पे कर चुके हैं, वो होती है संक कॉस्ट. इररिलेवेंट फॉर ऑल डिसीजन मेकिंग, ये क्या है, ये इररिलेवेंट है सारे के सारे डिसीजंस लेने के लिए, ये जो कॉस्ट है वो टोटली तरीके से इररिलेवेंट है. उसके बाद संक कॉस्ट का अगर अपन ने पहले जो FM में इंटरमीडिएट लेवल पे भी पढ़ा था कि संक कॉस्ट का चाहे मतलब वो लग चुकी है, संक कॉस्ट इज समथिंग लाइक मतलब वो पैसा जो है डूब चुका है, अगर उस कॉस्ट से कोई चीज सक्सेसफुल हो या ना हो वो कॉस्ट तो लग चुकी है, उसका कोई लेना देना नहीं है और ये इररिलेवेंट है सारे के सारे डिसीजन मेकिंग के लिए. AFM में हमने में भी पढ़ा था संक कॉस्ट, और यहाँ फर्दर वापस हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, संक कॉस्ट जो कि ऑलरेडी इनकर हो चुकी है, जो पे कर चुके हैं, जिसका हमारे डिसीजन से कोई लेना देना नहीं है. देन आता है हमारा कमिटेड कॉस्ट. व्हाट इज कमिटेड कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट क्या होता है, incurred in past but not paid up to yet, मतलब committed cost is something जो कि हम past में incur कर चुके हैं but जिसे अभी तक pay नहीं किया है, ये irrelevant है सारे के सारे decision making के लिए. example क्या है, जैसे कि research and development cost जो कि already incurred हो चुकी है, book value क्या होगी of assets etc. तो what are the examples, example क्या है, जैसे कि research and development cost, for example जैसे कि research and development cost जो कि already incurred हो चुकी है, book value of assets etc. now comes the opportunity cost. what is the opportunity cost, maximum benefit cost
contribution foregone by rejecting alternative course of action. What is the maximum benefit? इसमें सर ने पर्टिकुलरली एग्जाम्पल में ये बताया था, सपोज एज अ फ्रेशर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू गॉट द ऑफर ऑफ 7 लाख फ्रॉम द गवर्नमेंट कंपनी से, किसी से मिला है, किसी कंपनी से टाटा से मिला है 10 लाख और किसी बिग फोर से मिला है आपको 12 लाख. तो सपोज आपने आपने ये डिसीजन लिया है कि आपको जो है आपको जॉब करनी नहीं है, आपको प्रैक्टिस में जाना है, तो जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो फॉरगॉन हुई है इस पर्टिकुलर केस में, वो क्या आ जाएगी, वो होगी उसकी जो कॉस्ट है दैट इज 12 लाख. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, जो आपका जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो कि फोन फॉरगॉन हो चुका है, क्यों, बिकॉज आपने उसको एक्सरसाइज नहीं किया है. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मैक्सिमम बेनिफिट या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन फॉरगोन बाय रिजेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. इट इज नॉट द एक्चुअल कॉस्ट बट इट इज द नोशनल कॉस्ट. ये कोई एक्चुअल कॉस्ट नहीं है बट ये क्या है, नोशनल कॉस्ट है. ये रेलेवेंट है सारे डिसीजन मेकिंग के लिए, रेलेवेंट फॉर ऑल डिसीजन मेकिंग. हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो रेलेवेंट होगी हमारे सारे डिसीजन मेकिंग के लिए. उसके बाद हम एग्जाम्पल में आ जाते हैं, जैसे कि फंड इन्वेस्टेड इन बिजनेस. जैसे कि हमने एक बिजनेस में फंड इन्वेस्ट किया 5 लाख रुपए. अब इफ फंड नॉट इन्वेस्टेड इन बिजनेस डिपॉजिट इन बैंक, सपोज हम 5 लाख का बिजनेस नहीं करते, तो वो 5 लाख तो हमारे पास रहते, वो 5 लाख हमारे बैंक अकाउंट में रहते, उसको पर एनम इंटरेस्ट मिल जाता हमें 5 लाख का 10% के हिसाब से 50,000 की इनकम तो हमारी आनी थी. बट यहाँ पे जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, हमने बिजनेस किया, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो ये जो पांच लाख का 50,000 जो हमें इनकम आ जाती है वो एक्चुअली में क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. तो जो 50,000 की है वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी. तो केस वन एंड केस टू, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस. हमें बिजनेस से प्रॉफिट हुआ 70,000, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी बिजनेस करने की 50,000, तो हमें सिर्फ नेट बेनिफिट जो मिला है वो सिर्फ और सिर्फ 20,000 मिला है. फिर सपोज हमें प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से प्रॉफिट हुआ 40,000, जबकि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो 50,000 लग गई, तो यहाँ पे हमें जो है 10,000 का लॉस हो गया है. अब ये वाला एग्जाम्पल सर ने बताया था कि बिग फोर 9 लाख दे रहा है, एमएनसीज 10 लाख दे रही है, गवर्नमेंट कंपनी 10, तो यहाँ पे जो हमारी पर हमने डिसीजन लिया है अपनी लाइफ में कि हम जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस करेंगे डूइंग प्रैक्टिस, तो इसमें हमें हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो लॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फॉरगॉन दैट विल बी दी 10 लाख हो जाएगा. उसके बाद मार्कर मैन्युफैक्चरर है, कंट्रीब्यूशन है 15,000, न्यू ऑफर है, पेन मैन्युफैक्चरर है, कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 11,000. तो सपोज हम क्या बोल रहे हैं कि जो मार्कर मैन्युफैक्चरर है कंट्रीब्यूशन कितना है 15,000, न्यू ऑफर पेन मैन्युफैक्चरर कंट्रीब्यूशन कितना है 11,000. तो डिसीजन कैसे लेंगे हम, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पेन से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा था 11,000, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेकिंग पेन. हम पहले क्या कर रहे थे, हम जो है कंट्रीब्यूशन मार्कर मैन्युफैक्चर 15,000 आ रहा था, न्यू ऑफर आया कि अब हम क्या करें, हम डिसकंटिन्यू कर ले मार्कर को, हम पैन बने, तो पैन से हमें 11,000 मिलेगा, बट मार्कर से हमें कितना मिल रहा था 15,000. तो जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कितनी होगी 15,000, तो यहाँ पे हमें लॉस हुआ है 4,000 का. फिर और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि प्रोडक्ट ए बी सी है का, हम क्या कर रहे हैं प्रोड्यूस कर रहे, कोई भी ए कंट्रीब्यूशन है 20,000, 18,000, 25,000, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है हमारी 25,000 और 20,000. आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन्वॉल्व्स पेमेंट. तो हम क्या बोलते हैं, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट जो कि इनकर्ड होगी दैट इन्वॉल्व्स दी पेमेंट. आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन्वॉल्व्स पेमेंट, जो कि रेलेवेंट होता है सारे के सारे डिसीजन मेकिंग के लिए. अब हम बात करते हैं समथिंग अबाउट द फिक्स कॉस्ट और फिक्स ओवरहेड के बारे में. दैट इज समथिंग अबाउट द फिक्स कॉस्ट और फिक्स ओवरहेड के बारे में. इसमें क्या आएगा, एलोकेटेड, रिकवर्ड, एब्जॉर्ब, एडेड, कॉमन, एग्जिस्टिंग एंड ऑल. फिर इसमें और भी क्या चीजें आएगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे एडिशनल, इंक्रीमेंटल, अवॉइडेबल, स्पेसिफिक, ट्रेसेबल. तो ये जो जो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स ओवरहेड जो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स ओवरहेड, इसमें जो ऑलरेडी अलोकेट हो चुकी है, रिकवर्ड हो चुकी है, एब्जॉर्ब्ड, एडेड, कॉमन, एग्जिस्टिंग, तो ये रिलेवेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए. कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन, ये जो है ये सारी जो कॉस्ट है वो इररेलेवेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए. पर कुछ कोई चीज़ें एडिशनल है, इंक्रीमेंटल है, अवॉइडेबल है, स्पेसिफिक है, ट्रेसेबल है, तो ये जो है रेलेवेंट होगी डिसीजन मेकिंग के लिए. अब जैसे कि सेम कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, हमें कोचिंग फीस लगी है 1 लाख
और फिर हमने प्लान किया है कि हम सिमिलर कॉस्ट से तो सेल्स भी कर लेते हैं, तो हमने एलोकेट कर दिया, हमने क्या है अलोकेटेड कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी है, उसे एलोकेट कर दिया 50,000 50,000, तो ये जो है ये कॉस्ट हमारी इरेलेवेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए। और हमने फिर से एक डिसीजन लिया कि कुछ एडिशनल 20,000 और लगेंगे सीएस में, तो जो हमारी जो एक मतलब जो ये नई है एडिशनल जो कॉस्ट है 20,000 की, ये रेलेवेंट हो जाएगी, तो इसे हम बोलेंगे कि हाँ ये रेलेवेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए। फिर प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी टोटल फिक्स कॉस्ट लग रही है 10 लाख, उसे एलोकेट कर लिया 5 लाख 5 लाख, दिस इज समथिंग विच इज इरेलेवेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग। फिर प्रोडक्ट बी से ऑफर आता है, ऑफर एक्सेप्टेड, देन फिक्स कॉस्ट इंक्रीजिंगली 1 लाख मतलब 5 लाख 6 लाख 11 लाख, 5 लाख जो है इरेलेवेंट है, एडिशनल 1 लाख जो है रेलेवेंट है, एंड ऑल मार्जिनल कॉस्ट शीट। देन कम्स द मार्जिनल कॉस्ट शीट। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट शीट? मार्जिनल कॉस्ट शीट क्या है? पर यूनिट और टोटल, तो सेल्स में आएगा जो भी है दिस एंड दिस। देन वेरिएबल कॉस्ट में, वेरिएबल कॉस्ट में हमें पर्टिकुलर कॉस्ट आ जाएगी दिस एंड दिस। कॉन्ट्रीब्यूशन में फिर मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट देन कॉन्ट्रीब्यूशन लेस टोटल फिक्स कॉस्ट देन वी विल गेट दी प्रॉफिट। तो प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चरिंग है, सेल्स है 8,000 यूनिट, फिर सेल्स की है मतलब सेल्स पर यूनिट दिस, देन कॉन्ट्रीब्यूशन, देन टोटल फिक्स कॉस्ट, देन प्रॉफिट एंड ऑल। तो फॉर्मूला क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेस ऑफ सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट। तो कॉन्ट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला है, ये तो हमें किसी जमाने से आता होगा, और वो फॉर्मूला यही है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज नथिंग बट दी एक्सेस ओवर दी सेल्स मतलब एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट इज दी कॉन्ट्रीब्यूशन। इफ इट कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट, इट कंट्रीब्यूट टुवर्ड रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट, कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और यू कैन से दैट द फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज ऑल्सो योर फिक्स कॉस्ट, और प्रॉफिट भी हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन का एक और मैथड होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन का एक और मेथड होता है, उसे हम बोलते हैं सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट, ये तो आप सबको पता है, बट फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, क्योंकि क्या होता है फिर फिक्स कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट क्या होता है प्रॉफिट, तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो वेन वी ड्रॉ द इनकम स्टेटमेंट तो ये फॉर्मूला भी निकल जाता है, इन अबाउट एग्जाम्पल इज दिस एंड दिस। देन आता है हमारा पी वी रेशियो, दैट इज द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, रेशियो ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल। पी वी रेशियो क्या बताता है हमें? पी वी रेशियो हमें बताता है दैट इज द रेशियो ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स के बारे में। पी वी रेशियो इज नथिंग बट दी कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल्स पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सेल्स को हम पी वी रेशियो कहते हैं। तो पी वी रेशियो भी हमें कैलकुलेट करना आता है। उसके बाद आता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब जहाँ जाके हैं सेल्स, जहाँ जाके हमें नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन आ जाएगी। ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर वी हैव मतलब हम चाहे तो आगे कंटिन्यू करें, ना चाहे तो ना करें, यहाँ पे कोई ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। लेवल ऑफ सेल्स वेयर जहाँ पे टोटल सेल्स जो है वो इक्वल हो जाएगी टोटल कॉस्ट के लिए, टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाएगी, और कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन किसके इक्वल हो जाएगा टोटल फिक्स कॉस्ट के इक्वल। ब्रेक इवन यूनिट्स क्या होती है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर आपको बीईपी इन यूनिट्स में निकालना है, अगर इफ यू नीड टू कम्प्यूट दी बीईपी इन यूनिट देन वी वॉट वी नीड टू डू इज टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर आप फिक्स कॉस्ट को कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट दी ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। तो हमें बेसिकली क्या मिल जाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स मिल जाएगा। अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट्स यूनिट फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करोगे तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट मिल जाएगा। अगर आपको वैल्यू में चाहिए, बीईपी इन वैल्यू में चाहिए, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो कर दो, या फिर ब्रेक इवन पॉइंट को मल्टीप्लाई कर लो सेलिंग प्राइस से। अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू में चाहिए तो आप क्या कीजिए कि आप फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दीजिए पीवी रेशियो से, या फिर ब्रेक इवन पॉइंट मल्टीप्लाई कर दीजिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट। इन अबाउ एग्जाम्पल बीईपी यूनिट्स इज दिस 12,000 डिवाइड बाय 4, और बीईपी वैल्यू इज दिस एंड दिस। तो सेल्स उसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दीजिए, यू विल गेट कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस कर दीजिए, यू विल गेट दी प्रॉफिट। व्हाट इज द एक्टिविटी बेस्ड ब्रेक इवन पॉइंट? एक्टिविटी बेस्ड ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? तो फिक्स कॉस्ट जो आपकी फिक्स कॉस्ट है एबीसी जो भी आपने ये किया है, उसके बाद उसमें आप ऐड कीजिए सेटअप कॉस्ट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सेटअप प्लस इंजीनियरिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इंजीनियरिंग आवर्स डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो एक्टिविटी बेस्ड ब्रेक इवन पॉइंट व्हाट विल बी, हाउ विल यू गेट दी एक्टिविटी बेस्ड, कैसे आपको मिल जाएगा?
Activity based break even point. How will you able to calculate the activity based break even point? That is the fixed cost ABC plus setup cost multiply number of setups plus engineering cost multiply number of engineering hours divided by contribution per unit. तो हाउ विल यू गेट द एक्टिविटी बेस्ड ब्रेक इवन पॉइंट, कैसे मिलेगा? आपकी फिक्स कॉस्ट क्या है प्लस आप सेटअप कॉस्ट मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ सेटअप से प्लस इंजीनियरिंग कॉस्ट को मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ इंजीनियरिंग आवर्स से डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. उसके बाद हमारा आता है दैट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी. नाउ व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल्स ओवर ब्रेक इवन पॉइंट. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज नथिंग बट एक्चुअल सेल्स ओवर ब्रेक इवन पॉइंट. यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप कैसे निकालोगे कि एक्चुअल सेल्स में से आप बीईपी सेल्स को लेस कर देते हो, देन यू विल इन दैट केस यू विल गेट दी एमओएस. एमओएस इन यूनिट, एक्चुअल सेल्स इन यूनिट माइनस दी ब्रेक इवन सेल्स यूनिट. इन अबाउ एग्जाम्पल एमओएस इन वैल्यू विल बी दी 80,000 माइनस 30,000. यू विल गेट दिस एंड दिस इन डिफरेंस पॉइंट लेवल ऑफ रिडक्शन वेयर टोटल कॉस्ट ऑफ टू. इन डिफरेंस पॉइंट क्या होता है? जहाँ पे जो लेवल है प्रोडक्शन, जहाँ पे टोटल कॉस्ट जो है टू डिफरेंट ऑल्टरनेटिव विच आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट बट डिफर करता है इन कॉस्ट स्ट्रक्चर में बिकॉज इक्वल. तो व्हाट इज द कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज द इन डिफरेंस पॉइंट? हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट इज द इन डिफरेंस पॉइंट, व्हाट इज द कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट, व्हाट इज द इन डिफरेंस पॉइंट, व्हाट इज द कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट. जो लेवल होगा आपका प्रोडक्शन का जहाँ पे टोटल कॉस्ट होगी ऑफ टू डिफरेंट ऑल्टरनेटिव विच आर जो कि सिमिलर होगा इन ऑल रिस्पेक्ट बट वो डिफर करेगा इन कॉस्ट स्ट्रक्चर, वो बिकम्स इक्वल हो जाएगा. प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट पी मशीन ए मशीन बी आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगी दिस एंड दिस, फिक्स कॉस्ट होगी दिस एंड दिस. प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट क्यू मशीन एक्स मशीन वाई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें दे रखा है. सपोज फिक्स कॉस्ट आ जाता है हमारा तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ वाई. अज्यूम द प्रोडक्शन यूनिट ए तो 10 a प्लस दिस दिस. जैसे हमें इसमें क्या दे रखा है? वेरिएबल कॉस्ट दे रखी पर यूनिट मशीन एक्स मशीन वाई की, फिक्स कॉस्ट दे रखी. तो हम क्या बोल रहे हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ वाई. टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स क्या हो गई? 10 a प्लस 2 लाख. टोटल कॉस्ट ऑफ वाई हो गई 15 a प्लस 1,50,000. फिर दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए एंड यू विल गेट द इन डिफरेंस पॉइंट. तो टोटल आपको क्या करना है? टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ वाई के इक्वल रखना है. तो यू विल गेट द इन डिफरेंस पॉइंट. देन IDP इज इक्वल टू डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. विद द हेल्प ऑफ इन डिफरेंस पॉइंट अ बेटर अल्टरनेटिव कैन बी सेलेक्टेड. इफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन इज इक्वल टू इन डिफरेंस पॉइंट देन सेलेक्ट एनी ऑल्टरनेटिव. अगर एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन इक्वल है, अगर एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन ज्यादा है एक्सपेक्टेड से देन सेलेक्ट ऑल्टरनेटिव हैविंग हाई फिक्स कॉस्ट, और अगर कम है देन सेलेक्ट ऑल्टरनेटिव हैविंग लो फिक्स कॉस्ट. इन अबाउ एग्जाम्पल IDP इज 10,000 यूनिट. केस वन विल बी 10,000, केस टू 12,000, केस थ्री 7,000. एनी ऑल्टरनेटिव मशीन एक्स और मशीन वाई. तो इसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना होगा. नाउ हेयर कम्स दी पॉइंट दैट इज कैसे हम डिसीजन लेंगे यूजिंग द CVP एनालिसिस एंड एप्लीकेशन ऑफ CVP एनालिसिस. हाउ वी विल टेक द डिसीजन यूजिंग द CVP एनालिसिस को यूज करके, एप्लीकेशन ऑफ CVP एनालिसिस को यूज करके हम कैसे डिसीजन लेंगे? मिनिमम प्राइसिंग डिसीजन पर स्पेशल ऑर्डर जॉब वन टाइम ऑर्डर. मिनिमम प्राइस टू बी चार्ज वो हमारे लिए रेलिवेंट कॉस्ट बन जाती है. इवेल्यूशन ऑफ स्पेशल ऑर्डर जॉब द रेलिवेंट रेवेन्यू माइनस रेलिवेंट कॉस्ट वी विल गेट द नेट बेनिफिट एंड लॉस. रेलिवेंट रेवेन्यू यानी कि इनफ्लो ड्यू टू स्पेशल ऑर्डर कितना हुआ है, कॉस्ट इनकर्ड और इनफ्लो अवॉइडेड ड्यू टू स्पेशल ऑर्डर. डिटर्मिनेशन ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट नॉट इन स्टॉक, रेलिवेंट कॉस्ट विल बी इक्वल टू परचेज प्राइस. इन स्टॉक रेगुलर यूज है, मूविंग है तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट. ऑब्सोलीट इररेगुलर यूज है, नॉन मूविंग है, तो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा. रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज इक्वल टू परचेज प्राइस. इफ सेलेबल ओनली तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज इक्वल टू NRV. इट कैन बी यूज एज सब्सटीट्यूट. Replacement cost is equals to NRV or benefit from alternative use will be higher. IC is the negative है और saving है. Then comes the labor. Temporary हम क्या बोलते हैं कि tax and all this will be the bank ordered labor. Temporary है या casual labor है,
तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट विल बी द वेजेस पेबल, परमानेंट लेबर सरप्लस एक्सेस स्पेयर कैपेसिटी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट विल बी निल, शॉर्टेज नो स्पेयर कैपेसिटी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट विल बी वेजेस प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. देन आता हमारा ओवरहेड. ओवरहेड में क्या है, रेलिवेंट कॉस्ट है टू बी इनकर्ड फॉर स्पेशल ऑर्डर, फिक्स है, एलोकेटेड. अगर एलोकेटेड है तो हमने पहले ही डिसाइड किया था कि वो तो रेलिवेंट हो जाएगी. एडिशनल है तो वो रेलिवेंट होगी टू बी इनकर्ड फॉर स्पेशल ऑर्डर. टू मेन इशू अराइज होते हैं जब प्राइस बेस्ड होती है रेलिवेंट कॉस्ट में. प्रॉफिट रिपोर्टिंग जो कि डिफरेंट होता है फ्रॉम अकाउंटिंग, एंड प्राइजिंग ऑफ फ्यूचर वर्क मे नॉट वर्क फॉर फ्यूचर सिमिलर जॉब एंड ऑर्डर. सेल और फर्दर प्रोसेस डिसीजन. नाउ कम्स द व्हाट विल बी द सेल और फर्दर प्रोसेस डिसीजन. क्रेडिट ऑयल प्रोसेस, पेट्रोल डीजल है या फिर डामर है. तो मतलब जब पेट्रोल और डीजल को हम फर्दर प्रोसेस करते हैं, पेट्रोल डीजल क्या है ये जॉइंट प्रोडक्ट है, फर्दर प्रोसेस करते तो जो जेट फ्यूल बन जाता है, जेट फ्यूल का होता है जो कि एरोप्लेन में यूज होता है. अगर जब हम पेट्रोल डीजल को फर्दर प्रोसेस करते हैं तो वो जेट फ्यूल बन जाता है, और उसी का बाय प्रोडक्ट होता है, पेट्रोल डीजल का बाय प्रोडक्ट होता है डामर, जिससे कि रोड्स बनाई जाती है. डिसाइड वेदर जॉइंट प्रोडक्ट इज टू बी सेड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. क्या हमें जॉइंट प्रोडक्ट को सोल्ड करना है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे या फिर फर्दर प्रोसेस करना है? क्या हमें पेट्रोल और डीजल को एज अ पेट्रोल और डीजल ही सॉल्ड करना है या फिर हमें उसे जेट फ्यूल बना के उसे फर्दर प्रोसेस करके सेल करना है? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू फ्रॉम फर्दर प्रोसेसिंग, रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस रेवेन्यू एट अ स्प्लिट ऑफ पॉइंट. अब ये देखिए कि आपको जब आप उसे फर्दर प्रोसेस करोगे उससे कितना रेवेन्यू आएगा, उसको लेस कर दीजिए रेवेन्यू फ्रॉम स्प्लिट ऑफ पॉइंट से कितना रेवेन्यू आएगा, उसमें से आप लेस कर दीजिए टोटल फर्दर कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, एडिशनल फिक्स कॉस्ट कितनी है, यू विल गेट द नेट बेनिफिट फ्रॉम फर्दर प्रोसेसिंग. फर्दर प्रोसेस सेल एट स्प्लिट ऑफ. जॉइंट प्रोसेस कॉस्ट और कॉस्ट अप टू पॉइंट ऑफ सेपरेशन स्प्लिट ऑफ आर सम कॉस्ट एज दे आर ऑलरेडी इनकर्ड, हेंस इररिलेवेंट है. मटेरियल प्रोसेस है जॉइंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, एंड टोटल जॉइंट प्रोसेस कॉस्ट कितना आपने इनकर्ड किया है. सेल्स वैल्यू क्या है एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे. फर्दर प्रोसेस कॉस्ट कितना लग रहा है. सेल वैल्यू क्या होगी आपके आफ्टर फर्दर प्रोसेस में. प्रोडक्ट बी इतना है. डिसाइड कीजिए वेदर प्रोडक्ट ए और बी इस टू बी सॉल्व किया जाएगा क्या एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे या फिर आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है. और तो हमें मतलब इस एग्जाम्पल में सिर्फ ये बता रखा है, क्या हम जैसे कि सपोज पेट्रोल और डीजल है तो क्या आपको पेट्रोल और डीजल को एज अ पेट्रोल और डीजल पर ही सेल करना है यानी कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, या फिर फर्दर प्रोसेस जेट फ्यूल बना के करना है? तो आप देख लीजिए क्या रेवेन्यू आ रहा है फर्दर प्रोसेस करके, क्या रेवेन्यू आ रहा था स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे. अगर बेनिफिट है तो उसे फर्दर प्रोसेस कीजिए, नहीं है तो स्प्लिट ऑफ पे ही भेज दीजिए. तो ये एक हमारा डिसीजन बन जाता है. तो सपोज हमने इस एग्जाम्पल से यहाँ से सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेस कितना आ रहा है, 80,000 और 60,000. तो हमने इंक्रीमेंटल रेवेन्यू लिख लिया 80,000 और 60,000. उसमें से हम रेवेन्यू लेस करेंगे स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, कितना रेवेन्यू आ रहा था हमें स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, हमें रेवेन्यू आ रहा था दैट इज सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे जो है वो कितना आ रहा था 60 और 55. तो हम 80 में से 60 और 55 लेस कर देंगे, मतलब इधर रिस्पेक्टिव फ्रॉम प्रोडक्ट ए एंड बी. तो इसमें आ रहा है हमारा 20 और 5. अब इसमें से हमारे फर्दर प्रोसेस के कॉस्ट को भी लेस करना होगा. तो फर्दर प्रोसेस के कॉस्ट को हमने लेस कर दिया 10 और 8. 10 और 8, उसके अलावा और कुछ है क्या? 10 और 8 लेस कर दिया. तो फिर हमने देखा कि सबसे पहले हमने रेवेन्यू क्या है फर्दर प्रोसेस से, रेवेन्यू क्या है स्प्लिट ऑफ से, जो उसका आंसर आया उसमें से फर्दर प्रोसेस की कॉस्ट लेस करी. फर्दर प्रोसेस की कॉस्ट लेस करने पर अगर हमारे बेनिफिट आ रहा है तो फर्दर प्रोसेस करो, लॉस आ रहा है तो प्लीज डू नॉट प्रोसेस दैट, सेल ऑफ कर दो एट स्प्लिट ऑफ पे. फिर जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी है, 90,000 इज संक हैज इरेलीवेंट. जॉइंट कॉस्ट जो भी है इज 90,000 इज संक कॉस्ट है वो इरेलीवेंट हो जाती है. स्पेशल प्राइस ऑर्डर डिसीजन. व्हाट इज स्पेशल प्राइस ऑर्डर डिसीजन? डिसाइड कीजिए वेदर स्पेशल प्राइस ऑर्डर शुड बी क्या उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर रिजेक्ट करना चाहिए. रेवेन्यू सेल अमाउंट क्या होगा फ्रॉम स्पेशल प्राइस ऑर्डर से, फिर उसमें से हमें लेस करना है. वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी इनकर्ड फॉर स्पेशल प्राइस ऑर्डर, उसमें से लेस करना. एडिशनल फिक्स कॉस्ट इनकर्ड फॉर स्पेशल प्राइस ऑर्डर, उसमें से लेस करना. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ रेगुलर सेल्स, ओनली इफ देर इज अ कैपेसिटी कॉन्स्टेंट एंड देन यू विल गेट द नेट बेनिफिट फ्रॉम स्पेशल प्राइस ऑर्डर. तो हमें एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है. तो हमें क्या करना है कि सेल रेवेन्यू फ्रॉम स्पेशल प्राइस ऑर्डर आपको जो भी मिला है उसमें से लेस कर दीजिए. वेरिएबल कॉस्ट कितनी आपने इनकर की है फॉर स्पेशल प्राइस ऑर्डर, उसमें से लेस कर दीजिए. एडिशनल फिक्स कॉस्ट इनकर फॉर स्पेशल प्राइस ऑर्डर, उसमें से लेस कर दीजिए. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ रेगुलर सेल्स, ओनली इफ देर इज अ कैपेसिटी कॉन्स्टेंट यू विल गेट द नेट बेनिफिट फ्रॉम स्पेशल प्राइस ऑर्डर. तो यू कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द सेम.
एबीसी लिमिटेड है, कैपेसिटी है 10,000 यूनिट, कैपेसिटी है 10,000 यूनिट, प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल 5,000 यूनिट, सेलिंग प्राइस इज सपोज 140 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट इज 100 पर यूनिट, एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट कितनी है 1.5 लाख। तो एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट जो है वो हमारे लिए इरेलीवेंट है। कॉन्ट्रीब्यूशन आया हमारा 140 माइनस 140 पर यूनिट। स्पेशल प्राइस ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ए विल बी 1,000 यूनिट एट 120। एडिशनल फिक्स कॉस्ट ड्यू टू द ऑर्डर इज 4,000। डिसाइड करना है वेदर स्पेशल प्राइस ऑर्डर शुड बी एक्सेप्ट किया जाएगा या फिर रिजेक्ट किया जाएगा। तो सेल अमाउंट फ्रॉम स्पेशल प्राइस ऑर्डर कितना हो गया, 1,000 मल्टीप्लाइड हमने किया कि उसमें उसका कितना प्राइस है, उसमें से लेस किया वेरिएबल कॉस्ट, फिर लेस किया हमने एडिशनल फिक्स कॉस्ट, देन वी विल गेट द नेट बेनिफिट फ्रॉम स्पेशल प्राइस ऑर्डर, और पॉजिटिव आया तो हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। सपोज इन अबव एग्जाम्पल कैपेसिटी जो है 5,500 यूनिट्स है इंस्टीड ऑफ 10,000 यूनिट। तो हम इसको क्विकली रिकैप करेंगे। अभी कंटिन्यू करते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। आगे प्रैक्टिकल है या न्यूमेरिकल है, बिकॉज आगे जो हम थ्योरी पार्ट पे ज़्यादा एम्फोसिस डाल रहे हैं, बिकॉज प्रैक्टिकल पार्ट तो हमें खुद से करना है। हम 5 चैप्टर पढ़ रहे थे और ये 7 आ गए, यानी कि बीच में 5 पे खत्म हो गया। ये 6 है, 6 तो छोटा है, मीन्स 6 स्टार्ट हो रहा है। 82 पेज से और वो जाके खत्म हो रहा है। नाइन्टी थ्री पेज नंबर पे खत्म हो रहा है, तो 82 से 93 मतलब उसमें भी 10 पेजेस हैं। तो हम इसे फर्दर कंटिन्यू करते हैं बाद में, इन द नेक्स्ट वन वीडियो वी कैन से।